आज मैं इस्लामाबाद में नाश्ते में बेगम के साथ आया हूँ एक्सपेक्टेशन मुश भाई की रिकमेंडेशन पे। बड़ी इंटरेस्टिंग यूरोप टाइप वाइब है इस जगह की। अच्छा, जो पहला आइटम आया है ये आया है माले मुफ्त दिले बेरहम ब्रेड विद मक्खन और जैम। ये आप पता होता तो कॉफी लेके बस यही लेके चले जाते हैं। ये आया है पिस्ताशियो फ्रेंच टोस्ट, सॉरी पिस्ताशियो क्रोसेंट और मेरी हमेशा की तरह लाटे। मैं आया मुश पंजवानी के रिकमेंडेशन पे। मैंने उनको भी आके फ़ोन किया कि भाई मुश भाई ने कहा अगर फ्रेश हो तो क्रोसेंट खाओ, तो मैंने पिस्ताशियो क्रोसेंट खा। अब पिस्ताशियो क्रोसेंट को डाइसेक्ट करके देखते हैं कि मुश भाई ने कैसा लगाया। ओके, इसके अंदर पिस्ताशियो क्रीम की फिलिंग है, इतना क्रंची नहीं है, ब्रेडी है, बट स्टिल आपको हनीकॉम स्ट्रक्चर दिखेगा। मैंने फ्लेवर्ड क्रोसेंट मंगा लिया। अब फ्लेवर्ड इसीलिए मंगाया क्योंकि पिस्ताशियो वैसे मैंने कहीं देखा नहीं है। अंदर मीठी फिलिंग है पिस्ताशियो की जो कि इतनी मज़ेदार नहीं है। ओवरऑल क्रोसेंट अच्छा है। ये देखें, आपको सर्व करने के लिए ये वाले वेटर भी मौजूद हैं। हाँ भाई, कहाँ जाएगा? जा रहे कॉफ़ी ले आ मेरे लिए। अच्छा, ये है एक्सपेक्टेशन का एक्सपेक्टेशन ऑमलेट। ये मैंने उसके कहने पे रिकमेंडेशन पे मंगाया है। अंडे के साथ फ्रूट्स आए, ये लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है। ये है जी ग्रिल्ड चीज सैंडविच जो मेरी बेटर हाफ ने मंगाया है। ओए ओए, चीज का। अच्छा, अभी हमने खाना शुरू भी नहीं किया था। ये मैं यहाँ से देखो चलता हूँ। फ्रेंच टोस्ट है, इसमें मेपल सिरप, ब्रियोश ब्रेड है, ब्रियोश ब्रेड को फ्राई किया है, उसके ऊपर मेपल सिरप और फ्रेश फ्रूट्स है। कॉफी जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है। अब परफेक्ट का डेफिनेशन मेरा क्या है, ये कॉफ़ी जब आप पीते हैं मुझे ये फीलिंग नहीं आई कि खाली कड़वी है। इस पर बड़ी लंबी बहस हो चुकी है मेरी प्रीवियस कमेंट्स पे, लोग मुझे जाहिल बोल चुके हैं कि कॉफ़ी होती कड़वी है। मैं माजरत के साथ उन लोगों को जाहिल बोलूँगा जिनको लगता है कि कॉफ़ी का मतलब होता ही कड़वा है। कड़वे में भी फ्लेवर है। ये सोचो, जब आपको कड़वा बुरा नहीं लगे इसका मतलब वो फ्लेवर है। अब उसके लिए एक सेंस होनी चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए, कॉफ़ी ड्रिंकिंग होनी चाहिए, कॉफ़ी का फ्लेवर की समझ होनी चाहिए। अरबिका है, एथियोपिया है, मिक्स है, रोबस्टा है, हर कॉफ़ी का अपना अपना ब्लेंड होता है। दिस इज़ वेरी गुड। बेसिकली एक ऑमलेट है बड़ा सा, जिसमें अंडा, चीज़, अपना मशरूम वगैरह डाले हुए हैं। कोई फैंसी नहीं है, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अच्छा, मेरी बेगम ने जो चीज टोस्ट मंगाया था अब वो मेरे पास बाइट आया। मोटी मोटी डबल रोटी का टेस्ट आ रहा है, अंदर चीज का फ्लेवर ही नहीं आ रहा। ब्रेड एंड चीज में इट शुड बी ब्रेड एंड चीज। ब्रेड बहुत एम्पावरिंग है, उसका जो बटर का फ्लेवर है ना, इतनी बटर में पका दी है, फ्लेवर ही खत्म हो गया। मेरी बेगम का सैंडविच तो इन शॉर्ट फारिग है, बिल्कुल फारिग है, जबकि वो 2100 रुपए का है, 2100 का है। फ्रेंच टोस्ट अच्छा है, अगर इससे बहुत अच्छा मैंने खाया है। लोफोलॉजी का मैं पिछली बार इस्लामाबाद आया था, इससे लीव्स एंड यार्ड्स एक्सपेक्टेशंस, मैं जितनी एक्सपेक्टेशंस के साथ गया था शायद वो आइटम मैंने नहीं मंगाया।
जो इनके हिट हैं। मैं आपको ये बता दूं, इस जगह पे हफ्ते का दिन है, दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, इतना रश है, पैक चल रहा है। ऐसी नहीं है, छोटी जगह है, एक बाहर की सीटिंग है, अंदर की सीटिंग है, ऊपर की सीटिंग है, सीटिंग ही सीटिंग है। तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा अंडरवेलमिंग है, क्योंकि मैं मुश भाई की रिकमेंडेशन के बाद जो एक्सपेक्ट कर रहा था ना, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड तक नहीं आया। ठीक है जी, थैंक यू। 40 का और ये हमारे फूड का स्टेटस है, ठीक है, थैंक यू।